पुरी जिला काकटपुर स्थित देउली मठ प्रांगण में निंब चारा वृक्षरोपण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएछि। ए निंब वृक्षरोपण कार्यक्रम टी सेंटर फॉर एक्शन पुरी द्वारा महाप्रभु जगन्नाथ का दारू उद्देश्य रे काकटपुर देउली मठ पार्श्व निंब वनिकारे 100 निंब चारा धार्मिक पारायण व्यक्ति द्वारा अनुष्ठित हो जाएछि। सेंटर फॉर एक्शन गोटे ऑर्गेनाइजेशन जे कि पुरी रु आसी से माने 4 दिन तले हमको जोगाजोग करथिले ठाकुरंक दारू पई जो नवकलेवर हुए महाप्रभुंक दारू पई दईतापति मैंने आसी पवित्र देउली मठ रही एक जगन्नाथ इंतुड़ीशाल कहुए माँ मंगला स्वप्नाशर से मैंने यूठ दारू अनुसरण करने जाती किसी दिन पूर्वे जो नवकलेवर होता 2015 मसीह दईतापति मैंने दारू अनुसरण से बहुत दूर को जवाक पड़ा जोटा कि यूठ से रघुनाथपुर पर्यटन चली चली जाते जो लिंब पाई से माने अनुभव कले जे लिंब गछर संख्या दिनो दिन कमी जाउची दारू पाई से माने को बहुत कष्ट करया पाई जाउची सेति पाई से माने निष्पत्ति नेले जे एही अंचल रे पाखा पाखी किछि लिंब गछ रोपण करियो बोली जहा द्वारा से माने हम सहाय मागितले आमे मध्ये आगभर हे कि अंचल रो किछि युव समाज सेवी मानकु नै लिंब बगीचा रे से मानकु सहयोग करूचु। आज लिंब वन से माने आरंभ कले एही लिंब हवा द्वारा भविष्य ये अंचल लोक मैंने भी लिंबर जो विशुद्ध जलवायु मध्यम लोक सुरक्षित रहेंगे आगामी भविष्य में ठाकुर दारूपाई ठाकुर मूर्ति यानी असुविधा हम ना अनुभव करतमान ये लिंब बनिका कार्यक्रम लिंब बनिका जगन्नाथ आगु रही अच्छी आमे ताको गोटे नुआ रूप दे वर्तमान गोटे निंब चारा रोपण कार्यक्रम करुचु। जगन्नाथ सब कार्य साधु संतों द्वारा होता है इविन आप देखिए जगन्नाथ मंदिर भी साधु संतों द्वारा उत्पत्ति होती तो आम यो कार्यक्रम को साधु संतों द्वारा करने स्थिर कर तो यो वृक्ष जो आजिकल आम 2015 मुझे निजे नवकलबल थी तो से अनुभव कली जे वर्तमान निंब गच्छ कोठी माने मिलवा माने मिली पारे ना तो से आम प्रयास नूतन प्रयास आम कलु कि ना आम लिंब लगे जोटा कि लिंब गच्छ लगे जोटा कि 50-60-70 वर्ष पर आगामी पीढ़ी तार जो जगन्नाथ को जो खोजाप जाऊँच 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर कितु जगन्नाथ को एत दूर खोजाटा भी ठीक नुह कहीं गोटे लिमिटेड टाइम भितर दारू जगन्नाथ मंदिर में पहुँचार अच्छी तो एत गुड़े समय न था कि 2-3 मास जो दारू अन्वेषण में लोक जापर तो आम यहाँ चाहूँ कि यहाँ आम जिला भितर बर्तमान दारू आगु भी जाऊला यहाँ एवं जाओ श्री जगन्नाथ का इंतुड़ीशाला हेउची विश्व प्रसिद्ध माँ मंगला पीठ निकटस्थ तथा देउली मठ रे पवित्र अष्टाष्टमी तिथि रे वरिष्ठ साधु संत श्री जगन्नाथ का वरिष्ठ सेवायत राजनेता बुद्धिजीवी समाजसेवी और अंचलवासी द्वारा निंब वृक्षरोपण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएछि। माँ मंगला शक्तिपीठ आज्ञामाल नहीं एक विराट शोभायात्रा जाई देउली मठ रे पहुँचीते पर एक सभा सेंटर फॉर एक्शन रो उद्यम रे अनुष्ठित होइतिला। समस्त मठाधीश एवं दईता बाड़ग्राही जगन्नाथ सेवायत बंधु मान जरिया आज एठार यह पवित्र दिवस रे देउली मठ ठारे 100 लिंब चारा रोपण करा जाई यहाँ मूल लक्ष्य हला जे जगन्नाथ संस्कृति लिंब चारा लिंब दारू जगन्नाथ मूर्ति बलभद्र मूर्ति सुभद्रा मूर्ति पार्श्व मूर्ति सब यही लिंब वृक्षरु ही होता है तेणु ये रास्ताघाट निर्माण आउ बन्या बात्यारे अनेक वृक्ष नष्ट द्वारा बर्तमान दारू सन्धान दारूपाई बहुत दूर दूरांत जावाक पड़ी तेणु आज एक सुकल्पित चिंताधारा नहीं जो कार्यक्रम कराई आगामी दिन में दारूर समस्या कि रही आभिमुख्य को नहीं समस्त दैत बंधु जगन्नाथ प्रेमी एवं प्रशासक एमएल बंधु समस्ते आज उत्कंठार सहकारे लिंब दारू लिंब वृक्ष रोपण कर जगन्नाथ उद्देश्य दारू उद्देश्य लिंब वन्य सृष्टि करने कार्यक्रम कर एक महत कार्यक्रम एक हिंदू जागृत कार्यक्रम जगन्नाथ प्रेमी कार्यक्रम मो जीवन धन्य होगा यह महत् कार्य आज मुझे जोग दे
ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମଞ୍ଚ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି କମ୍ ପଡ଼ିବ ହୃଦୟ ପୁରା କୃତକୃତ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର ପକାଉଛି ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ହେଲେ ସଫଳ ହେବ କାହିଁ ନା କାହିଁ କାହା ହାତରେ ପଛ ପଥ ସୁର ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି କି ଯିଏ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହଉ ଏ କରୁ କାହାର ନା କାହାର ପୋତା ଯାଇଥିବା ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠୁ ବାହାରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଅନନ୍ତ ତିଆଡ଼ି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଦାସ ରବି ମଲ୍ଲିକ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଖୁଣ୍ଟିଆ କାକରପୁର ସରପଞ୍ଚ ସୌଦାମିନୀ ବରାଳ ଧନେଶ୍ୱର ପାଢ଼ୀ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାଳ ସମାଜସେବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ପରେ ଦେଉଳି ମଠ ପରିସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 100 ନିମ୍ବ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକରପୁରରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା